शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। दादी को पता है कि हम कभी कुछ बुरा नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको लगता है कि हम कुछ बुरा कर रहे हैं ना, तो आप अपने हिस्से के जेवर ले लीजिए। वैसे भी दादा जी ने सबके हाथ में तो छोड़ा है फैसला। इतनी भोली सूरत बना के हमको फंसा दोगी? आप ले लीजिएगा जेवर, आप ही के हाथ में फैसला, ताकि हम सबकी नजर में बुरे बन जाएं। इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है श्रावणी कि तुम्हारी बातों में आकर भानु जी की नजरों में गिर जाए। तुम डाल डाल, हम पात पात। चलो तुम अपनी चाल, खुली छूट है तुम्हें, पर एक बात याद रखना, असली कौड़ी हम ही फेंकेंगे। माता रानी, चंद्रा ताई जी का सारा हिसाब किताब आप देख लीजिएगा। हम सिर्फ अपनी माँ के बारे में सोचना चाहते। भानु, केशव, अरे क्या हुआ बाबूजी, परेशान काहे हो रहे हैं? गहने, इंदु के गहने, वो कमरे में ही थे लेकिन अभी नहीं है, वहां पर गायब है वहां से। अरे ऐसे कैसे गायब हो जाएंगे बाबूजी? मिल जाएंगे, आइए चलिए ढूंढते हैं। मैं सारी जगह देख चुका हूँ, कहीं नहीं है। पर भाऊजी, ऐसे अचानक से हवेली से गहने कहाँ गायब हो सकते हैं? हवेली से आज तक कुछ चोरी हुआ नहीं, और आज तो बाहर से भी कोई नहीं आया। जरूरी थोड़ी ना है कि चोर बाहर से ही आए। चंद्रा, क्या कह जा रही है? कुछ गलत नहीं कह रहे, किसी घर वाले की नीयत भी तो खराब हो सकती है ना। एक काम करते हैं ना, हर कमरे की तलाशी ले लेते हैं, पता चल जाएगा। कोई तलाशी वलासी नहीं होगी, समय और माहौल देख के बोला करो। कहे माहौल तो चोरी का है, जो पहले भी था। जब श्रवणी की पायल चोरी हुई थी तब तलाशी ली गई थी ना सबकी, अब तो और भी लोग आ गए। भैया, भाभी की बात ठीक है, लेकिन केशव भैया, तलाशी में हर्ष क्या है? जब हम में से किसी ने कुछ लिया ही नहीं है तो फिर किस बात का डर? जो भी हो, हमें तलाशी वलासी ठीक नहीं लग रही। भैया, हमारे आने के बाद आज हवेली में पहली बार चोरी हुई है, और हम लोग नए, हमारे स्वाभिमान के लिए आज ये तलाशी हो जाने दीजिए। बीरेन के कमरे में भी कुछ नहीं मिला, और केशव भैया के कमरे में भी देख लिया, चंद्रा भाभी, बीना भाभी, यहाँ तक कि हमारा कमरा भी देख लिया। अब बस सिर्फ श्रवणी का बाकी है। चंद्रा, श्रवणी के कमरे की तलाशी लेने का क्या मतलब है? बच्ची है वो, उसको इतने जेवरों की क्या जरूरत होगी? हाँ, उसके ऊपर हमें पूरा भरोसा है। ये तो बाबूजी आपने दिल दुखाने वाली बात कर दी। श्रवणी की एक छोटी सी पायल चोरी हो गई थी तो आपने सबके कमरे खंगाल दिए थे,
उसको कंगन की क्या जरूरत है, वो गहने नहीं पहनती, तो हमको इतने कंगन और जेवरात होने के बावजूद हमको उसके पायल की जरूरत होती क्या? यार चंद्रा तू, भैया को जाने दीजिए तलाशी, जब हमारी बच्ची श्रवणी ने कुछ किया ही नहीं है तो फिर किस बात का डर? हम ये सब सिर्फ माँ के लिए कर रहे हैं, आपकी सबकी नजरों में बुरा बनना चाहते ताकि आप लोग हमें इस हवेली से बाहर निकाल दो। सॉरी दादाजी। हम पहले ही कह रहे थे, एक नंबर की चोटी है ये लड़की। नहीं बाबूजी, किसी ने जानबूझ के किया है श्रवणी को फंसाने के लिए। हमारी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती है। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।